Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing integration, and in that integration, we are discussing integration by part from last two class. And this is a lecture number 17. I hope you have already watched part 1 to part 16 before watching part 17. So let me discuss this integration by part in some extended form and some more application of this integration by part. So, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक स्पेशल टाइप इंटीग्रल की. और वो स्पेशल टाइप इंटीग्रल क्या है कि अगर ऐसा हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इन प्लस एफ डैश एक्स हो और ई टू द पावर एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी. ये टाइप, पता नहीं कौन सा नंबर है, बट ये एक टाइप है. इस टाइप पे हम ऐसा काम करेंगे, मेरे ख्याल से टाइप 10 होना चाहिए. तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, इसको कैसे करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, पहले तो इसकी प्रूफ बताते हैं, फिर इसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है. चलिए, i इज इक्वल टू, ये लिया कि e टू दी पावर एफ एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दूं तो इसको e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो गया. अब इसमें से किसी एक फंक्शन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे. जैसे इसी को हम कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, e टू दी पावर एक्स को हमेशा सेकंड मानते हैं, तो एक्सेप्ट कुछ रूल्स जो पिछले दिन हमने तोड़े थे उसको छोड़ करके हम हमेशा e टू द पावर x को सेकंड ही मानते हैं. और ये अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज e टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स dx. अब देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, निगेटिव टर्म्स है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपका इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया, इसलिए e टू दी पावर x f x प्लस c बच जाता है. तो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है और इस क्वेश्चन का, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होता है और इसका आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है. जैसे हम कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और सीधे सीधे अप्लाई करने से हमारा काम निकल सकता है. जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है e टू द पावर x sin x plus cos x dx. तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है ये किसके जगह पर है, ये है एफ एक्स और ये किसकी जगह पर है एफ डैश एक्स, और बाहर में e टू द पावर x है, तो आप सीधे सीधे इसका आंसर e टू द पावर x sin x plus c लिख सकते हैं. अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, ये देखिए e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x dx, ये है ही, तो यहां पर भी क्या होगा, ये है fx, ये है f'x, है ना, f'x है उसका डेरिवेटिव है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं e टू द पावर x है बाहर में, fx प्लस f'x के पैटर्न पे है, तो क्या आंसर होना चाहिए e टू द पावर x fx, fx का मतलब tan इनवर्स x प्लस c आंसर होना चाहिए. इसी तरह से अगर और कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे e टू द पावर x और यहां पे लिखा है sec x प्लस tan x, ठीक है, sec x tan x कुछ इस तरह का, तो इसको कैसे करेंगे. यहाँ sec square x और ये sec x tan x है, दोनों में ही फर्क है, तो आप ऐसे ही लिख देते हैं कि tan x का डेरिवेटिव sec x का sec x tan x होता है, यानी यहाँ पे 1 plus tan x लिखा है मान लीजिए और dx, तो ये हो गया एक sec x, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं e to the power x sec x plus sec x tan x, यानी एक हो गया ये fx और ये हो गया क्या उसका डेरिवेटिव, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया उसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स हो गया इसकी जगह पे, इसलिए इसका आंसर सीधे e टू द पावर x एफ एक्स मतलब sec x plus c आंसर लिख सकते हैं.
तो ये तो कुछ कॉमन सी बातें हो गई जिसमें आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डेराइव्ड फॉर्म भी होता है, जैसे क्वेश्चन ऐसा हो कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स ऐसा लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इस क्वेश्चन को करना है। अब इस क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, ई टू द पावर एक्स इसमें छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ है तो हमारा काम है उसे ढूंढ लेना। कैसे ढूंढोगे? हम सबसे पहले इसमें मान लेते हैं पुट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे एक्स इज इक्वल टू, इधर से लॉग हटेगा तो इसमें बेस ई अंडरस्टूड होता है, ये ई इधर आके बेस में बन जाता है ई टू द पावर टी। ये बात आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बड़ी बात नहीं है, आप साधारण सी बात है समझ सकते हैं। इस लॉग में जब भी हम लिखते हैं तो उसमें बेस ई अंडरस्टूड होता है, जब इधर से लॉग हटाते हैं तो दूसरी तरफ ई टू द पावर हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। और डीएक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टी डी टी, यानी हमारा जो इंटीग्रैंड है वो अब कन्वर्ट होकर के ऐसा हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स के बदले टी पुट किया है प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, लॉग एक्स को टी पुट किया है, और ये हो जाएगा डीएक्स के बदले ई टू द पावर टी डी टी। लेकिन लॉग टी का डेरिवेटिव 1 बाई टी होता है, 1 बाई टी स्क्वायर तो होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता ना। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, आपको क्या करना चाहिए? तो आपको लॉग टी का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी प्लस कर देना चाहिए, और प्लस अपने घर से तो करेंगे नहीं तो माइनस भी करना चाहिए, 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, और ई टू दी पावर टी डी टी। इसमें अब अगर देखें तो दो फंक्शन बन गए, एक का इसको ऐसे लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी प्लस 1 बाई टी और इनके साथ ई टू दी पावर टी, ठीक है, फिर माइनस, माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पे हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो एक फंक्शन ऐसा बन जाएगा कि 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई टू दी पावर टी डी टी, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है ई टू दी पावर डी टी। तो देखिए यहां पर भी अब यहां पे दो जगह लगेगा रूल, एक तो ये हो गया एफ एक्स है ना, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स, इसी यहां पे ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स, तो दोनों जगह रूल लगा देंगे, यानी इसमें भी अगर रूल लगेगा, आप चाहें तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में ही ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे डीएक्स लिख दीजिए और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए डी टी, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा फिर से डी टी, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया तो दो अलग अलग वैल्यू भी हो गई। अब इसमें आप ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं लॉग टी इंटू ई टू दी पावर टी एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स और यहाँ पे 1 बाई टी ई टू दी पावर टी प्लस सी, यानी ये क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइनली ई टू दी पावर टी का मतलब क्या है, एक्स। तो आप लिख सकते हैं इसको, ये हो गया एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि टी का मतलब लॉग एक्स है, माइनस ई टू दी पावर टी का मतलब एक्स, यहाँ पे है ई टू दी पावर टी का मतलब एक्स, एक्स अपॉन और टी का मतलब लॉग एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, और वो तरीका क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव मेथड करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन हमारा, ये था क्वेश्चन था हमारा ये कि आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। हमने इसको क्या किया कि इसको लिख दिया लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इनटू 1 डीएक्स,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। यानी अब पहले वाले में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट होता है, कांस्टेंट हमेशा सेकंड मानते हैं, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो इस लॉग का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई लॉग एक्स होगा, और इस लॉग का डेरिवेटिव करोगे तो फिर 1 बाई एक्स होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड भी लिखना है यानी एक्स भी लिखना है, ये डीएक्स हो गया, प्लस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रल डीएक्स। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया। पहले वाले में हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाया है। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ बच गया 1 बाई लॉग एक्स। फिर से हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना चाहिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक्स पहले लिख देता हूं, माइनस 1 बाई लॉग एक्स एक बच गया, और एक बच गया 1 डीएक्स। 1 को हमेशा सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट मान के फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स है ना, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट देना तो जरूरी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा चेन रूल से, फिर लॉग एक्स क्या करेंगे तो 1 बाई एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है, तो वो हो गया एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, ब्रैकेट बंद, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रल डीएक्स। ये तो पहले से है ही है ना। सो व्हाट विल कम फाइनली, अब यहां पे देखिए, यहां पे फाइनली हमारे पास मिल गया एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स है ना, ध्यान से देखिए, एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स बाई लॉग एक्स है ना, और ये माइनस एक्स से एक्स क्या होगा कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, और ये तो एक पहले से है ही है क्या, 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों टर्म क्या है सेम है, ध्यान से नहीं देखेंगे तब भी पता चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा, चूंकि इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो आंसर बचेगा उसमें सी आ जाएगा है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो जोड़ ही देंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन का आंसर। ये आंसर और पहले मेथड से जो निकाला था वो आंसर दोनों ही बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यूजुअली आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं इस फॉर्मूले का, क्या क्या और एप्लीकेशन हो सकता है जैसे एक क्वेश्चन अगर ले हम कि क्वेश्चन अगर ले, अगले स्लाइड पे लेते हैं, ये क्वेश्चन आई इज इक्वल टू, ये देखिए, तो एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, तो यहां पे आपको दो अलग अलग फंक्शन का सम तो दिखाई दे नहीं रहा, ये आपको अरेंज करना है, कैसे करोगे अरेंज, ये देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 1 है और नीचे में 1 प्लस एक्स है, एक्स है अकेले, तो ऊपर में भी 1 प्लस एक्स माइनस 1 अगर कर दें, 1 प्लस 1 माइनस हमने कर दिया है, ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको भी आप 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और पूरे में ई टू दी पावर एक्स लिख दें तो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए है ना, डीएक्स,
अब ये 1 + x, एक 1 + x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 + x -1/1 + x का स्क्वायर, और इस पूरे में क्या है, e^x dx। अब मैं अगर ये कहूं कि ये है fx, ये है fx और ये इसका डेरिवेटिव है f'x, तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इसलिए ये हो गया fx, ये f'x, तो e^x इंटू fx यानी 1/1 + x प्लस सी आंसर हो जाएगा, यानी e^x/1 + x + c आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ रीअरेंज करना होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे रीअरेंज करें और इस पैटर्न पे लाएं कि जो हमारा फॉर्मूला है f(x) + f'(x) e^x, है ना, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू आ जाए e^x(f(x) + c। ठीक है, तो ये अप्लाई करना आपके जिम्मे है, आपको इसको ध्यान रखना है कि इसको हम क्यों कैसे अप्लाई करें। यू कैन ब्रेक दिस। एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन है x-1 e^x + x+1 का होल क्यूब dx। अब इस क्वेश्चन को करना है, यहां पे भी दो अलग अलग फंक्शन दिख नहीं रहे हैं, आपको उन दो अलग अलग फंक्शन के लिए काम करना होगा। कैसे करोगे दो अलग अलग फंक्शन के लिए काम? यहाँ पे नीचे में x+1 का फंक्शन है, ऊपर में x-1 का फंक्शन है, तो सबसे पहले धर्म आपका ये कहता है कि आप ऊपर में भी x+1 का फंक्शन बनाओ। तो x+1 किया हमने, +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा, एक -1 पहले से है इसलिए ये हो गया x+1 - 2 e^x डिवाइडेड बाई x+1 का क्यूब। अभी +1 किया, ये नहीं कि दोबारा फिर 1 में से -2 करके और -1 लिख दो, इसको हमें अलग अलग करना है। तो अलग अलग करना है मतलब x+1/x+1 का क्यूब -2/x+1 का क्यूब और दोनों में क्या है जी, e^x है dx। एक x+1 से x+1 कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर -2/x+1 का होल क्यूब और ये पूरे का e^x dx है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कह सकते हैं इसमें कि ये है हमारा, क्या है ये है हमारा fx, देखिए, और इसका ये डेरिवेटिव है f'x। डिफरेंशिएट करोगे 1/x² का -2/x³ होता है डिफरेंशिएशन, तो यही चीज है, ये fx, ये f'x, e^x। इसलिए आंसर लिख सकते हैं e^x/x+1 का होल स्क्वायर + c, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और उनमें ये क्वेश्चंस अप्लाई किए जा सकते हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं और आप आंसर बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया sin(log x), ठीक है, +cos(log x) / x e^x dx। अब देखिए किसी को भी पता चल जाएगा, अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं इस x कॉमन ले लूं और क्वेश्चन को ऐसे बना दूं कि x log x sin log x, x sin log x और +cos log x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई x(e^x), तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है और इतने आसान नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि हमने पहले ऐसे लिख दिया है तो आपको पता चल जा रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, है ना, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो क्वेश्चन, तो इससे हम ऐसा ब्रेक कर लेंगे। और ये क्या हो गया, ये हो गया fx, ये क्या हो गया, उसी का डेरिवेटिव f'x, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हो जाएगा इसका सीधे हम लिख सकते हैं e^x(f(x), यानी इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको तनिक भी गुरेज नहीं होगा, sin log x आंसर लिखने में, ठीक है, +c, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। आई इज इक्वल टू, ध्यान से समझे, ऐसा क्वेश्चन हो जाए साइन 2x प्लस कॉस 2x ई टू दी पावर माइनस 2x डीएक्स। अब यहां पे देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2 cos 2x होना चाहिए, ऐसा है नहीं, तो आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा 2x को जगह पे -2x इज इक्वल टू t, तो 2dx -2dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, यानी dx के बदले क्या लिख सकते हैं -1/2 dt। अब ये क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ध्यान से देखें, साइन ऑफ क्या लिख देंगे 2x के जगह पे -t, तो ये हो जाएगा -t, और यहाँ पे cos के जगह पे भी cos-t, और पूरे के बदले बाहर में क्या हो गया e to the power t, और dx के बदले क्या लिख देंगे -1/2 dt। तो ऐसा करने से -1/2 तो बाहर आ गया, चलो ठीक है। साइन माइनस टी क्या होता है -sin t, और कॉस माइनस टी क्या होता है cos t, ठीक है, और e to the power t dt। अब ऐसा करके आप देखिए कि ये हो गया, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, होता है कि नहीं होता, अलग से अब इसमें स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये है fx और ये क्या है इसका डेरिवेटिव, और ये e to the power x की तरह ही है, तो fx e to the power x dx, यानी आंसर आ जाएगा -1/2, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर रहेगा, इसका इससे क्या लेना देना, और क्या हो जाएगा fx e to the power x, यानी cos t इंटू e to the power t प्लस c, और t क्या था हमारा, t था हमारा, t को हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है -cos 2x, cos-2x इंटू e to the power -2x प्लस c, और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है वो लिख देंगे -e to the power -2x/2, cos-θ इज cos θ होता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। तो ये तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से एक आइडिया आपको लगा कि हम अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें सब्स्टिट्यूट करके भी उस फॉर्म में ला सकते हैं, और जैसे ही इस फॉर्म में कहीं पर भी क्वेश्चन दिखाई दे कि एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, तो आप इस फॉर्मूले को आसानी से लगा सकते हो और आंसर निकल सकता है, ठीक है ना। और इस तरह से हम क्वेश्चंस का आंसर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर उस पर डिस्कस भी कर लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस और करें क्या, एक दो क्वेश्चन और रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हो क्वेश्चन x² + 1 + 2x (e to the power x dx). अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम करें तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ सकता है, x² + 1 + 2x को x + 1 का होल स्क्वायर भी लिखें, और होल स्क्वायर लिखते ही 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या x + 1 का होल स्क्वायर e to the power x, और जितनी बार ज्यादा अलजेब्रिक पावर होगा उतनी बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ सकता है, तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ सकता है, यानी क्वेश्चन कोई अगर ये पूछे तो आपको पहली नजर में तो यही आएगा कि चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये इसका पावर अलजेब्रिक का पावर 2 है, तो 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने से ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर बुद्धिमानी थोड़ी सी लगाएं तो इसके बदले आप ये लिख सकते हैं, और जैसे ही ये लिखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i = x² + 1 + 2x, है ना, और ये एक अलग फंक्शन मान लिया हमने, यहाँ पे हटा देता हूँ, और e to the power x dx हो जाएगा। तो ये जो होगा, ये जो पार्ट है इसको हमने मान लिया fx, देखिए, और इसका ही क्या है डेरिवेटिव है कि नहीं, तो fx f'x हो जाएगा, और इस तरह से इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा कि e to the power x fx, fx इसका ही डेरिवेटिव है, तो आप सीधे सीधे आंसर इस क्वेश्चन में लिख सकते हो x + 1
x²+1 e टू दी पावर x+c, और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेकंड का जरूरत है जिसमें आप आंसर लिख सकते हो। ये पता चल गया कि ये है fx, ये है fx f'x e टू दी पावर x fx आंसर होता है। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि x²+1 इनटू दी पावर x+c, और बिना टाइम वेस्ट किए आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के आधार पे जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहें कर सकते हैं। जो वही क्वेश्चन अगर इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया होता तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होता। 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने का मतलब है कम से कम 4 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी। या हमारा एक शॉर्टकट भी तो है, उस शॉर्टकट के हिसाब से आप लिख सकते थे। क्या कैसे लिखेंगे इसका आंसर बताएंगे? जो हमने शॉर्टकट बताया था उसे क्या कहा था कि इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मानते तो क्या हो जाता आंसर हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर क्या करते माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स ऑफ x+1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस के साथ। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा, 2x, x का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ मिल जाएगा 2 और e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब प्लस c। तो उस ट्रिक से जो हमने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के हिसाब से भी आता ये x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, या आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं e टू द पावर x, सब में है कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के पश्चात ये क्या आ जाएगा, कॉमन लेने के पश्चात ये आ जाएगा e टू द पावर x, यहाँ से मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा -2x+1, और यहाँ से मिल जाएगा +2 + c। आप e टू द पावर x इसको x²+2x+1 लिख सकते हैं, यहाँ -2x -2 + 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा e टू द पावर x x²+1 + c, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला है। तो एक ही क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को जो लोग कोई 3 मिनट में कर सकता है, इतने सारे स्टेप लिख के कर सकता है, उस क्वेश्चन को आप बिना कोई स्टेप लिखे जबानी आंसर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप जबानी आंसर लिख सकते हैं। जबकि इस तरह से अगर करें तो हमें, ये तो ट्रिक लगाए हैं तब भी 3 लाइनें लिखनी पड़ी है, अगर ट्रिक ना लगाते तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते तो इसे 2 से 3 मिनट लगेगा, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड तक, 3 से 5 सेकेंड में दिया जा सकता है, और जिसको करने के लिए लोगों को 3 मिनट लगते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एप्लीकेशन कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, और इसकी कितनी यूटिलिटी है इंटीग्रेशन में। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, समझते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और फिर कुछ और नई बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बार बार देखें, और जितनी बार संभव हो उतनी बार एक वीडियो को देखें, ताकि जब तक कि आपके दिमाग में पूरी तरह से स्टोर ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।